जो ड्यूटी आई है इससे डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली स्टील कंपनीज को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। जैसे कि हम अगर टाटा स्टील, हिंडाल्को या सेल या JSW की बात करें, बट क्लियरली अगर हम कमोडिटी प्राइसेस के फॉल देखें तो मुझे लग रहा है कि अभी भी जो इंपोर्टेड स्टील इंडिया में आ रहा है उसका जो मोमेंटम है वो जारी रहेगा, हालांकि थोड़ा बहुत महंगा हो जाएगा ड्यूटी बढ़ाने के बाद। मेरे ख्याल से क्वार्टरली नंबर्स की बात करें तो एक दो क्वार्टर्स का अभी भी जो पिक्चर है वो काफी ब्लीक लग रहा है, मार्जिन प्रेशर रहेगा। और जिस प्रकार का मोमेंटम हमने Q1 में देखा है मेरे ख्याल से शायद सेकंड या थर्ड क्वार्टर में जारी रहेगा, तो दिसंबर के बाद ही होपफुली कमोडिटी प्राइसेस में थोड़ा बहुत बॉटमिंग हो जाएगी, उसके बाद ही मेरे ख्याल से फंडामेंटली इन स्टॉक्स को देखा जा सकता है। हालांकि ये स्टॉक्स काफी बुरी तरह से पिट गए हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि एक आध क्वार्टर वेट करूँ, उसके बाद ही इसमें एक फंडामेंटल व्यू बन सकता है। जी।